subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो के चैप्टर द रेड ट्रैप के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को एग्जाम में लिखते हैं तो आपका आंसर एकदम ग्लिटर हो जाएगा और आपको अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है थाइवेरी। थाइवेरी का मतलब है चोरी करना। सेकंड वर्ड है स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब है कुछ चीज़ अगर अचानक से आ जाती है तो उसको हम स्ट्रक कहते हैं। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप आपके आंसर में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो है सेट बेट्स, मतलब किसी भी चीज़ के लिए चारा सेट करना। चारा मतलब एक प्रलोभन की चीज़, एक किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की चीज़। फोर्थ वर्ड है टेम्प्टेड। टेम्प्टेड का मतलब होता है प्रलोभन होना या फिर प्रलोभित होना। और लास्ट वर्ड है पॉरेज। पॉरेज का मतलब होता है दलिया या फिर ओटमील। रेड ट्रैप, इस चैप्टर को लिखा है सलीमा लेगरलॉफ ने। दोस्तों इस चैप्टर में सलीमा एक यूनिवर्सल मैसेज को कन्वे करती है। सलीमा कहती है कि किसी भी पर्सन की अच्छाई को बाहर निकाला जा सकता है अगर उसे प्यार से ट्रीट किया जाए। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक चूहेदानी बनाने वाले से, मतलब एक रेड ट्रैप मेकर से, जो कि चूहेदानी बनाकर बाजार में बेचता था। उसका ये बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसको अपनी गरीबी को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती थी और कभी कभार तो भीख भी मांगना पड़ता था। उसके कपड़े भी एकदम फटे पुराने थे और उसके गाल एकदम अंदर की तरफ धंस गए थे और उसकी आंखों में भूख की चमक को महसूस किया जा सकता था। उसकी लाइफ बहुत ही सैड और मोनोटोनस थी। एक दिन चूहेदानी वाले को ये विचार आता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक चूहेदानी की तरह है, जहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरे लोगों के लिए चारा सेट करना और मनी, पैसा, कपड़ा, खाना, ये सब एक चारे की तरह है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है और जो भी इनके लिए अट्रैक्ट हो जाता है वो उस चूहेदानी में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। एक दिन शाम को रेड ट्रैप मेकर सड़क पर अकेला घूम रहा था तो वो एक झोपड़ी में जाता है और वहाँ पर वो दरवाज़ा खटखटाता है तो झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और वो बूढ़ा आदमी बहुत सालों से वहाँ पर अकेला रह रहा था तो वो उस रेड ट्रैप मेकर को अपने घर के अंदर बुला लेता है। फिर वो उस रेड ट्रैप मेकर को दलिया देता है और उसको रात को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तो रेड ट्रैप मेकर रात को वहीं पर रुकता है और उस बूढ़े आदमी के साथ एक गेम भी खेलता है और उस गेम का नाम था जॉलीज। तो फिर गेम खेलने के बाद बूढ़ा आदमी सोने के पहले एक बार अपने पैसों को चेक करता है। वो सामने की दीवार पर टंगे एक चमड़े की थैली को उतारता है, उसमें से 3 नोट निकालता है 10-10 क्रोनर के। वो बहुत ही ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं तो फिर वो उन नोट को निकालकर वापस उस थैले में रखकर वहाँ पर लटका देता है। तो रेड ट्रैप मेकर उसको देख लेता है। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों साथ में घर से निकलते हैं, लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद रेड ट्रैप मेकर वापस पीछे की तरफ मुड़ता है और वो उस झोपड़ी तक वापस आता है। फिर उस झोपड़ी में बनी एक खिड़की का शीशा फोड़कर वो उस थैले को बाहर निकाल लेता है और उसमें से 3 10 क्रोनर के नोट को निकालकर वो थैला वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर वो सड़क पर अकेला घूमता है और उसको अपनी इस स्किल्स पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। लेकिन फिर वो अपना रास्ता पलट लेता है और वो सड़क से जंगल की तरफ चला जाता है ताकि कोई उसको देख ना ले। फिर जैसे ही रात होने लगती है वो अपना रास्ता भूल जाता है। वो एक बड़े से जंगल में अकेला फंस गया था और ये जंगल उसके लिए एक बड़ा सा रेड ट्रैप बन चुका था, जिसमें वो उस बूढ़े आदमी के पैसे लेकर फंस चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा थक भी जाता है क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो वो जंगल में एक पेड़ के पास गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लोहे पीटने की आवाज़ आती है तो वो किसी तरह अपने आप को घसीट कर उस लोहे पीटने वाली जगह तक पहुँचाता है। फिर जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो एक बहुत ही बड़ी आयरन मिल है। रेड ट्रैप मेकर अभी जिस जगह पर था उस जगह का नाम था रैम्सचो आयरन वर्क और वहाँ पर एक मास्टर आयरन स्मिथ और उसके कुछ हेल्पर थे जो कि भट्टी के पास बैठे हुए थे। तो जैसे ही रेड ट्रैप मेकर वहाँ पर जाता है वो उनसे पूछता है कि क्या आज रात को मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ।
तो इस पर वो उसको हाँ कर देते हैं, क्योंकि अक्सर सर्दी में कुछ गरीब लोग वहाँ पर आया करते थे और वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए वहाँ पर रुकते थे, तो वो उसको वहाँ पर रहने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद जो मिल के मालिक होते हैं वो वहाँ पर आते हैं निरीक्षण के लिए। मिल के मालिक की नज़र पड़ती है रेड ट्रैप मेकर पर और वो उसको अपना एक पुराना साथी समझते हैं और उनको उसकी कंडीशन पर अफसोस होता है कि वो दोनों एक ही साथ एक ही रेजिमेंट में थे, लेकिन उसके रेजिमेंट छोड़ने के बाद उसके दोस्त की ये हालत हो गई है। तो मिल का मालिक रेड ट्रैप मेकर को उसके घर पर बुलाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन इस पर रेड ट्रैप मेकर उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े, क्योंकि उसने आज तक कभी भी उस मिल मालिक को नहीं देखा था और ये एक शेर की मांद में घुसने जैसा था, तो वो इसको मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिल मालिक की बेटी आती है और उस बेटी का नाम होता है एडला विलियमसन। एडला एक बहुत ही दयालु लड़की होती है, तो वो जैसे ही उस रेड ट्रैप मेकर के पास आती है तो वो उसको बोलती है कि आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, और एडला बहुत ही प्यार से रेड ट्रैप मेकर को ये बात बोलती है, तो रेड ट्रैप मेकर उस पर हाँ कर देता है और वो उनके साथ उनके घर पर चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस था तो नौकर उसको अच्छे से नहलाते हैं और उसको बहुत ही अच्छे कपड़े पहनाते हैं, साथ ही उसकी शेविंग और कटिंग भी करते हैं। तो उसके बाद जब मिल के मालिक उस रेड ट्रैप मेकर को देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये उनका दोस्त नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इस पर रेड ट्रैप मेकर भी समझ जाता है कि उसकी पोल अब खुल चुकी है, तो रेड ट्रैप मेकर मिल मालिक से बोलता है कि उसका तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो आपकी बेटी ने मुझे बुलाया था तो मैं यहाँ पर आ गया था, और वो अभी भी तैयार था कि वो उन अच्छे कपड़ों को छोड़कर अपने फटे पुराने कपड़े वापस ले ले। तो इस पर मिल मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक टाइम पर तो ये कोशिश करता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से जाने को कहे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसको यूं ही जाने देता हूँ और उससे कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एडला वहाँ पर आती है तो वो उसके पापा को इंसिस्ट करती है कि आप इनको आज के दिन यहीं पर रुकने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और इनका इस तरह कोई भी स्वागत नहीं करता है और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये सुकून की ज़िंदगी हमारे साथ बिता सकें। तो एडला रेड ट्रैप मेकर को उस दिन वहीं पर रुकने के लिए बोलती है, तो रेड ट्रैप मेकर क्रिसमस के दिन वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन सुबह सुबह एडला और उसके पिताजी चर्च जाते हैं और वहाँ पर वो कुछ प्रवचन सुनते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनको पता पड़ता है कि रेड ट्रैप मेकर एक चोर है, तो इस पर एडला को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि वो रेड ट्रैप मेकर ही चोर है और हमें उसको जल्दी से जाकर वहाँ पर पकड़ना होगा। फिर एडला और उसके पापा जल्दी से उनके घर पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि वो आदमी तो चला गया। तो इस पर एडला के पापा बोलते हैं कि वो एक चोर था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है, बल्कि वो एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ गया है। फिर एडला जैसे ही उस गिफ्ट को खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उस गिफ्ट में एडला के लिए एक छोटी सी चूहेदानी थी और उसके साथ ही उस चूहेदानी में 3 10 क्रोनर के नोट भी पड़े हुए थे। उस चूहेदानी के साथ एक लेटर भी था और एडला उस लेटर को खोलती है। उस लेटर में चूहेदानी वाले ने सबसे पहले एडला को थैंक यू कहा इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए। फिर उसके बाद चूहेदानी वाले ने कहा कि वो नहीं चाहता कि क्रिसमस जैसे अच्छे दिन पर वो एक चोर के साथ रहें, इसलिए वो वहाँ से चला गया। उसने चूहेदानी में 3 10 क्रोनर के नोट भी रखे थे, जिसे वो चाहता था कि एडला वापस उस बूढ़े आदमी को लौटा दे। वो बताता है कि कैसे उसने वहाँ से पैसे चुराए थे। वो आगे लिखता है कि वो चूहेदानी एक चूहे की तरफ से एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट है, जो उसमें पकड़ा जाता अगर उसे कैप्टन की तरह ऊपर नहीं उठाया गया होता। द रेड ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड हु हैव बीन कॉट इफ ही वुड नॉट हैव बीन रेज्ड एज अ कैप्टन। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एडला सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, विच टू रीजन्स फोर्स हर टू बिहेव इन दैट मैनर। तो दोस्तों ये बात है तब की जब एडला और उसके पापा चर्च में जाते हैं और वहाँ पर उनको पता लगता है कि उनकी आयरन मिल के एक क्रॉफ्टर के घर पर चोरी हुई है। और उसको और भी ज़्यादा दुख तब होता है जब एडला को पता लगता है कि वो चोर और कोई नहीं, वो रेड ट्रैप मेकर ही है जिसको उनने शरण दी थी।
सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द पेडलर सरप्राइज्ड व्हेन ही नॉक द डोर ऑफ द कॉटेज। मतलब जब पेडलर ने उस कॉटेज के डोर को नॉक किया था, मतलब उस झोपड़ी के डोर को नॉक किया था, तो वो सरप्राइज क्यों हो गया था? तो इसलिए सरप्राइज हुआ था क्योंकि उस दिन उसको फूड और शेल्टर दोनों मिले थे और आमतौर पर उसको एक बेगर की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उस दिन उसको एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनर ऑफ रैम्सजो आयरन मिल्स, वाई डिड ही विजिट द मिल्स एट द नाइट। तो रैम्सजो मिल का ऑनर एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट व्यक्ति था और उसने उस रात को मिल में विजिट इसलिए किया था क्योंकि वो वहाँ का इंस्पेक्शन करना चाहता था। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड एडला इनवाइट द पेडलर टू स्टे विद हर फैमिली। तो एडला एक बहुत ही ज़्यादा कंपेशनेट और दयालु लड़की होती है और एडला उसको घर पर रुकने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि जो पेडलर है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है और वो जहाँ भी जाता है उसको एक बेगर की नज़रिए से देखा जाता है, मतलब उसका कहीं पर भी वेलकम नहीं किया जाता। तो एडला चाहती थी कि एक दिन वो उनके साथ रुके, अपनी लाइफ को एंजॉय करे और फुल सिक्योरिटी में रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पिनअप कर रखा है। आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 3500 लाइक्स, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आप चाहते हैं कि वीडियोस के साथ आपके नोट्स भी बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए? तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है अनअकैडमी। दोस्तों, आप इस लर्निंग को अपने फोन में एंजॉय करने के लिए अनअकैडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।